नेशनल हाईवे 44 पर वाहन चालकों को लूट के लिए निशाना बनाने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को सोनीपत CIA 1 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तीनों गिरफ्तार बदमाश सोनीपत के गन्नौर के रहने वाले संजीव और सोनू हैं। तीनों ने पिछले साल नवंबर 2021 में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल परवीन को पहले तो चाकू से गोदा और उसके बाद उसकी सर्विस रिवॉल्वर लूट कर फरार हो गए। इन तीनों ने नेशनल हाईवे 44 पर कई अन्य लूट की वारदातों को भी अंजाम दे रखा है, जिसकी अब सोनीपत पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात परवीन पानीपत के CGM का गनमैन है। तीनों बदमाश पर करीब दर्जन भर से ज्यादा लूट और आर्म एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए DSP जोगिंदर राठी ने बताया कि CIA 1 ने लूट चोरी आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश संजीव और सोनू है। तीनों ने पिछले साल नवंबर 2021 में पानीपत के CGM के गनमैन प्रवीण को पहले तो चाकू से गोदा और उसके बाद में उसकी सर्विस रिवॉल्वर लेकर फरार हो गए। इन पर लूट और चोरी के दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तीनों के कब्जे से लूटी गई सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई है। तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे गहनता से पूछताछ हो सके। आज हमारी CIA 1 की टीम, जिसका कुछ नेतृत्व हमारे CIA 1 के प्रभारी इंस्पेक्टर बृजेंद्र सिंह कर रहे थे, जिसकी टीम में करीबन 6 और हमारे मुलाजिम शामिल थे, इनको गुप्त सूचना मिली थी कि बेगा गांव में 2-3 लड़के हैं जिनके पास अवैध असला है और जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। अगर उनको फौरी तौर पर अगर रेड किया जाए और बताए स्थान पर जाकर उन्हें पकड़ा जाए तो काबू आ सकते हैं। जो अपने इंस्पेक्टर बिजेंद्र ने अपने कुशल नेतृत्व को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बदलाव स्थान पर जाके उन लोगों को काबू किया। काबू करके उन लड़कों से एक दो लड़कों से पिस्तौल दो लड़कों से एक एक पिस्तौल राउंड हुआ, कुछ राउंड राउंड हुए, एक अलग से 315 बोर का तीसरे लड़के से भी एक जो है पिस्तौल राउंड हुआ। परिणामस्वरूप 2 FIR आर्म्स एक्ट की उनके खिलाफ दर्ज की गई और उनके उसमें जो है असला और राउंड दोनों में ही रिकवर किए गए। और दौरान इंसाफ जब इन बच्चों से इन अपराधियों से पूछा गया तो उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि 14 अक्टूबर को सन 2021 को उन्होंने एक हमारी गन्नौर पुलिस स्टेशन का मामला था, जिसके अंदर एक हमारा मुलाजिम है जो CGM के पास गनमैन था पानीपत, रात को अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस लौट रहा था तो बस से आया था, बस स्टैंड से अपने गाँव गढ़ी कला की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में इन लड़कों ने उसको रोक कर उसके साथ मार पिटाई की थी, उसको चक्कू से भाग किया था, 6 साल उसकी इंजरी आई थी और उसका पिस्तौल भी।